आगाज देखिए, हम लोग आज अशोक के प्रमुख शिलालेख देख रहे हैं, ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्द याद कर लेंगे। देखिए पहला शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पहला शिलालेख में कहा गया है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और आगे चल के हम लोग अब नेक्स्ट, यानी दूसरा, ये दूसरा शिलालेख, यानी दूसरा शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का व्यवस्था करवाया था या किया गया। अब तीसरा शिलालेख में देखते हैं, तीसरा शिलालेख में देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, ये राजकीय दिया हुआ है तो हम लोग इसे ऐसा कहेंगे कि राजा, इसको हम लोग राजकीय नहीं बल्कि राजा बोलेंगे। वे प्रत्येक राजा यानी अधिकारी को आदेश दिया कि वे हर पाँचवें वर्ष के उपरांत दौर पे जा, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि प्रत्येक राजा पांचवें वर्ष के उपरांत दौर पे जाए, कहाँ जाए, दौर पे जाए, ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। चौथा में देखते हैं हम लोग, यह भेरी घोष और भेरी घोष की जगह धान घोष किया गया है, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं दोस्तों कि जैसे कोई हम लोग मैच देख रहे हैं, कोई चौका मारता है तो क्या करता है, वेरी गुड, तो वेरी गुड नहीं बल्कि भेरी घोष, और भेरी घोष की जगह धान घोष। अब एक बात बताइए, पांचवा शिलालेख में देखिए कहा गया है कि धर्म महामंत्रों की नियुक्ति, ठीक है, यानी धर्म महामंत्रों की नियुक्ति, देखिए पाँच रुपया देकर और पंडित जी के बुला के और धर्म महामंत्रों की क्या करवा लेते हैं, नियुक्ति, बस 5 ही रुपया में। देखिए पांचवा शिलालेख में अब आते हैं छठा शिलालेख में, देखिए छठा शिलालेख में कहा गया आत्मनियंत्रण। हम लोग जानते हैं कि जब मैच देखते हैं तब जब कोई छक्का नहीं मारता है तो मज़ा नहीं आता, जब कोई खिलाड़ी छक्का मारता है तो हमें बहुत मज़ा आता है, मेरे आत्म को एक नियंत्रण मिलता है, लगता है ना कि नहीं अब छक्का लगा है। तो देखिए वही जब छक्का, यानी छठा शिलालेख, आत्म नियंत्रण, ठीक है। देखिए सातवां और आठवां दोनों एक में है और सातवां आठवां शिलालेख में कहा गया कि अशोक की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है, यानी सबसे बड़ा शिलालेख सातवां आठवां है और इसमें कहा गया है कि अशोक की तीर्थयात्रा, जो भी अशोक अपना जीवन में तीर्थयात्रा किया था उसका क्या यात्राओं का वर्णन किया गया है।